हेलो एंड वेलकम गाइस। तो इंडिया के अंदर अभी 5G की टेस्टिंग चालू भी नहीं हुई है। उसके कुछ र्यूमर्स हैं कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर उसके जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे, कहां पर 5G लॉन्च करना है, किस स्पेक्ट्रम कर करना है, वो सब कुछ सेट होगा। बट ऐसे में अभी क्या है कि जो हमारे इंडिया के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जो जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये कहा है एक इंटरव्यू में कि हम 6G पर वर्क कर रहे हैं। यानी कि अभी 5G ढंग से इम्प्लीमेंट करने की बात तो दूर रही, 5G को लॉन्च तक नहीं किया गया है इंडिया में, लॉन्च करना भी दूर रहा, टेस्टिंग तक नहीं हुई इंडिया के अंदर, और अब 6G के बारे में बातें चल रही हैं कि 6G हम 2023 के एंड तक या फिर 2024 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च कर देंगे। और हम ऐसे डिवाइसेस सेटअप कर रहे हैं क्योंकि हमें 5G डिवाइसेस को यूज करने के लिए बाहर की जो कंपनीज हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है, उनकी टेस्टिंग के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, बाहर के जो इम्प्लीमेंट जो हमारे डिवाइसेस हैं वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है, उनका यूज करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि हम इंडिया के अंदर ही उस 6G के जो प्लेटफॉर्म है उसको रेडी कर रहे हैं, जहां से जिसकी हेल्प से आपको टेस्टिंग की जाएगी, जिसकी हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी पर फिलहाल इंडिया के अंदर काम किया जा रहा है जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। और इसके अलावा हम खुद 6G की जो वर्ल्ड है उसको लीड करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो डिवाइसेस हैं उनको सेल करेंगे या फिर उनको जो अपनी टेक्नोलॉजी है उनको शेयर करेंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो ऐसा फिलहाल उनका कहना है। तो आई होप कि जो सोच है वो तो बहुत ही अच्छी है, और अगर इस क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है, अगर सच में कुछ काम हो रहा है रियल दुनिया में, तो बहुत अच्छी बात है, हम लीड कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर कभी भी टैलेंट की कमी नहीं रही है। अगर इंडिया अपने टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज करे तो फिर आप सब जानते ही हैं क्या हो सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, सबके CEO, सबके जो इम्पोर्टेंट मैन हैं, जो पॉइंट पर बैठे हुए हैं ऊपर के, वो सब मोस्टली आजकल के टाइम में इंडियंस ही हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए वो लोग बाहर का रुख करते हैं। तो ऐसे में अगर उनको इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सब कुछ अच्छे से होगा, तो इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकता है। आई होप कि जितना भी उन्होंने कहा है वो सही साबित हो, बट पहले 5G लेकर के आइए। मुझे तो लगता है कि 2022 के अंदर फोर जो 5G वगैरह है वही अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा पूरी कंट्री में। 6G तो बहुत दूर की बात रही है। बाकी आप बताना क्या लगता है आपको, हम 6G में वर्ल्ड वाइड लीड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और क्या हमारा जो इंडिया है वो सक्सेसफुल हो पाएगा जो 5G के टेस्टिंग के डिवाइसेस हैं उनको बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने जो ओपिनियन है उनको शेयर कीजिएगा, और जरूर बताइएगा कि पहले 5G को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए या फिर 6G की तैयारी शुरू की जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।